Hi Achal. Hello. How was your experience at Siddhachalam Laboratory? It was really good. Actually मैंने expect नहीं किया था कि मैं ये सब interest लेके सीखूंगी. Colleges में मैंने 5 साल में मैंने कभी भी lab में interest नहीं लिया क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी तो मुझे बिल्कुल interest नहीं आता था क्योंकि handling मिलती नहीं है actually में. और यहाँ पे कम थे हम लोग, जितने भी फ्रेंड्स थे तो एक्चुअली में हम लोग का हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छे से हुआ. मुझे बैक्टीरियल वगैरह में इंक्यूबेशन जो हम लोग किए हैं उसमें मतलब हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि मुझे बीच में फील होने लगा था कि मुझे बायोटेक में कर लेना चाहिए. नाइस, मेरे को यहाँ के स्टाफ्स के लिए आपका फीडबैक चाहिए. मीन्स किस सर से, किस मैम से आप क्या क्या सीखे हैं? सर बहुत हेल्पफुल रहे हैं, दोनों सर बहुत हमको हेल्प किए हैं. आपको नाम पता है ना सर का? हाँ, विजय सर एंड धर्मेंद्र सर एंड शुभांगी मैम. पहले तो हम शुरू के दिनों में तो सिर्फ सर के साथ काम किए थे, तो सर दोनों सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा. मेरे को मतलब मेरे ऊपर छोड़ा था कि तुम करो हम हैं, और मैं ही कर रहा था, ये साथ साथ में थे. कुछ भी डाउट रहता था तो मैं पूछता था, बिल्कुल बताते थे. फिर अभी अभी लास्ट क्लास में शुभांगी मैम के साथ भी काम किया. शुभांगी मैम भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, बट मजा आया काम करने में. इनके साथ थोड़ा डांटती है लेकिन अच्छा है. चलो, थोड़ा बोलती है जल्दी जल्दी करो. नहीं, अच्छी मैम, बहुत अच्छी है. नाइस फीडबैक, अच्छा लगा. तो मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पे हैंडलिंग खुद करने मिला, आप सीखे हैं ना? ओके, थैंक यू सो मच. So hi Nikita, how was your experience at Siddhachalam Laboratory? Hello ma'am, thank you. Experience तो बहुत अच्छा रहा. 15 days का ये जो session था उसमें हमने micro के भी experiment किए हैं, chemical के भी experiment किए हैं. हम field chemistry वाले हैं तो chemistry तो बनता ही है, लेकिन micro का जो experience मिला है वो बहुत ही अच्छा रहा है. और experiment करने में भी हम लोगों को बहुत मज़ा आया है, बहुत से knowledge हमको नए मिले हैं, तो बहुत मज़ा आया. Thank you.